मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, जैसा कि मैंने आप भी अभी एक मैसेज आप लोगों को फॉरवर्ड करवाया है कि बहुत जल्दी आप लोगों को असाइनमेंट यानी 10 तारीख तक आप लोगों के फर्स्ट असाइनमेंट सभी बच्चों को मिल जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट में करना क्या है, आप लोग फर्स्ट ईयर हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूँ। जो असाइनमेंट होगा वो सभी बच्चों के लिए सेम होगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन को आपको लिखना है अपनी कॉपी पे, और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उसकी फ़ोटो खींच के या उसको स्कैन करा के, आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी स्कैनर यूज कर सकते हैं, स्कैन करके और सीधे आपको ईमेल अकाउंट पे वो जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे उनको आपको सेंड करना है। ईमेल अकाउंट भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा जैसे एक डेमो टाइप आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से करना है, या आपके सब्जेक्ट टीचर बता देंगे कि किस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, बनाना है, किस तरह की चीज़ें होंगी उससे। ठीक है, सिर्फ अभी हम आपको एक मैसेज पास किए हैं कि 10 तारीख तक आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। असाइनमेंट की जो डेट होगी वो आपके सब्जेक्ट टीचर बता देंगे कि कब कौन सा असाइनमेंट जमा होना है। तो असाइनमेंट दो दिए जाएंगे, एक पहला फर्स्ट असाइनमेंट होगा और दूसरा सेकंड असाइनमेंट होगा, जिसमें से करीब 2-2.5 महीने का भी दिया जाएगा और फिर 2-2.5 महीने आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से सुनिए। तो जैसा कि अभी मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, तो लगभग लगभग वो 2-2.5 महीने कंप्लीट हो गई है। तो आज से मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और मैं दूसरा सब्जेक्ट अपना उठा रहा हूँ जो आपकी आपकी ही क्लास में है, और वो है आपका सब्जेक्ट का जो नाम है वो है ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग PC पैकेज। ठीक, तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीवियस क्लासेस की मैं बात करूं, जो आपके सीनियर क्लासेस हैं उन क्लासेस में ये मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट चल रहे थे वो सब्जेक्ट आपकी क्लास में अब चेंज है, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस चेंज हो गया। पहले मैथ चलती थी, अब वो मैथ है नहीं। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट आपको मालूम ही है कि आपके वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका पहला सब्जेक्ट है ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग PC पैकेज, दूसरा सब्जेक्ट है आपका प्रोग्रामिंग इन सी एंड C++, तीसरा सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और 5वां सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट हैं और आपकी एक लैंग है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कौन कौन से सर पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको मालूम है कि दो सब्जेक्ट हैं वो मैं सर पढ़ा रहा हूँ, पहला ऑफिस ऑटोमेशन एंड यूजिंग PC पैकेज। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि C++ आपको पढ़ा रहे हैं, और जहाँ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात तो ये मिस्टर राकेश गुप्ता पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात है तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी राकेश गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं। यानी ये आपके 5 सब्जेक्ट के टीचर्स ने। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जैसे ये 5 सब्जेक्ट में आपको मालूम है कि आपके 3 सब्जेक्ट लगभग लगभग चल ही रहे। ठीक है, पहला आपका फंडामेंटल चल रहा था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था, और आपका C++ चल रहा था। ठीक है, अब जो 2 सब्जेक्ट नहीं चल रहे हैं वो भी आपके आज से मेरा आपके खाते में शुरू हो जाएगा, और आज या कल से आपके इंग्लिश की भी क्लास शुरू हो जाएगी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपके शुरू हो गए। अब इन 5 सब्जेक्ट में मान के चलिए कि करीब 2.5 महीने, अब इसमें आप ये ना सोचिएगा कि सर पहले की यूनिट का जो पढ़ाएंगे तो वही देंगे या ऐसे ही दे देंगे। तो जो यूनिट पढ़ाई जाएंगी चाहे वो पहले की पढ़ाई जा रही हो या बाद की पढ़ाई जा रही हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कंप्यूटर में कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आज आप मॉनिटर के बारे में बता रहे हैं तो हो सकता है कल हम आपको CPU के बारे में बताएं, हो सकता है कीबोर्ड के बारे में बताएं, हो सकता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बताएं। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाई गई है, जो यूनिट आपकी पढ़ाई गई है, उन यूनिट से आपको करीब 5 या 10% दिए जाएंगे। बाकी जो भी आपको असाइनमेंट में कोई दिक्कत आए या समझ में ना आए तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं।
हैं फोन या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है कि आपके जो जो सब्जेक्ट हैं लगभग देखा जाए तो जो चल रहे थे वो मेरे ख्याल में 2 या 2.5 या 1.5 यूनिट तक हो गए हैं। ठीक है, 2-4 दिनों में लगभग लगभग ये 2.5 यूनिट तक नहीं हुए होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आज जो टॉपिक आपका स्टार्ट किया हूँ या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट का जो नेम है वो आपका नेम है ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग पीसी पैकेज। ठीक है, तो ये देखा जाए तो डेस्कटॉप से रिलेटेड ये ऑफिस है और ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इसमें सिखाया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों के घर में अगर कंप्यूटर है तो आपको जैसा है हम यहाँ पे करके दिखाएं प्रैक्टिकल, उसी तरह से आपको अपने घर के कंप्यूटर से करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं है तो एंड्रॉयड फोन होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उस एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप ये काम कर सकते हैं, अप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की। ठीक है, तो चलिए अब बेसिक चीजों से उठाता हूँ मैं आज 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 मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको आपके सब्जेक्ट से कि क्या कैसे क्या चीज होती है। तो आपने बार बार सुना है, आपके ना सब्जेक्ट का नाम ही है ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग पीसी पैकेज। देखिए, पीसी मतलब यहाँ है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पैकेज पैकेज ये कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सो कॉल्ड इज पैकेज। ठीक है, तो यहाँ कई सारी एप्लीकेशन यहाँ एक साथ होंगी, या कहूँगी वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, ये एप्लीकेशन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बताई जाएंगे कि वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है और इसमें किस तरह से काम होता है। क्योंकि तो आज की डेट में अगर हम देखें कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अगर आप बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हैं तो आपको दूसरी एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी में काम कर लेंगे। ठीक है, और हर एप्लीकेशन का एक विशेष महत्व होता है, या ये कहूँ मैं कि एक विशेष महत्व होता है। जैसे वर्ड है तो वर्ड क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया गया, एक्सेल है तो क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया गया, पावर पॉइंट है तो क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया गया। क्लियर, तो यहाँ चीजें आती हैं आखिरकार कि अब जब एप्लीकेशन है तो हम उनमें विशेष कहा जाए कि नॉलेज रखें। अगर विशेष नॉलेज रखेंगे तो हम बेहतरीन काम अगर करेंगे तो हम उसी एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं या उसी एप्लीकेशन में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो आप देखिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ डेस्कटॉप डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से रिलेटेड चीज में मैंने बताया है कि ये आपका एक्चुअल देखा जाए तो डेस्कटॉप है। और दो चीज होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर विंडोज क्या होती है। ठीक है, विंडोज क्या होती है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन ये दो अंतर होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। ठीक है, अब जैसे कहा जाए कि आपने कब से आपके वर्जन से स्टार्ट होते हैं, यानी संस्करण कब से स्टार्ट होते हैं, यानी कब से एप्लीकेशन आए, कब से विंडोज आया। तो अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि विंडोज 95 सुना होगा आपने, सुना है। ठीक, यानी कहा जाए कि जब आपका विंडोज आया तभी आपके एप्लीकेशन से, यानी कहा जाए कि ऑफिस भी आए। ठीक है, लेकिन आखिरकार इतना चेंजेस क्यों हुए ये भी आपको सोचना चाहिए कि विंडोज 95 आया, फिर 97 आया, फिर 98 आया, फिर 2000 यानी मिलेनियम जिसको हम बोलते थे आया, फिर एक्सपी आया यानी XP 2003, और फिर आया 2007, फिर आया 2010, फिर 2000 अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो 2013 और 2016। ठीक है, यानी अगर विंडोज की बात करूं तो अभी आप विंडोज 2010 यूज करते हैं, तो अपन यहाँ डिस्कशन विंडोज की ना करके किसकी डिस्कशन करना है, ऑफिस की। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं, यानी कहा जाके एक प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म में हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला सकते हैं। ठीक है, या ऐसे कहें कि अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं है तो कुछ भी आप उससे कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि OS ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं तो आप किस पे काम करेंगे। तो
तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें अगर देखा जाए तो हमें ऑफिस पढ़ने हैं, ठीक है। अब ऑफिस में क्या क्या पढ़ने हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ना है, ठीक। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये मैं थोड़ा सा बेसिक और यहाँ से बता दूँ, ये जितनी भी चीजें आपकी ये छोटे छोटे एक सिंबल्स की तरह आपको दिख रहे होंगे, ये सभी आइकन कहलाते हैं, जिसके पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं, या फिर स्टार्ट पे चले जाएं तो स्टार्ट पे क्लिक करने से हमें बहुत सारी एप्लीकेशन ये देखिए मिल जाएं, ठीक है। इनमें से जिस एप्लीकेशन को आपको खोलना है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिस सॉफ्टवेयर पे जाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोई कहे कि मुझे आप 10 पे नहीं काम करिए, आप एक्सपी पे काम करके दिखाइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपी पे काम करिए 2003 पे, तो अगर आपने काम किस पे किया है तो आप उस पे भी कर लेंगे। यानी कहा जाए कि कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उस एप्लीकेशन या उस विंडोज का नाम चेंज हो जाता है, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि आखिरकार पहला जो आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन सुइट, यानी हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अभी आपका, कि अब भी ऑफिस यानी कहा जाए कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब हम आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उस पे कहना है कि एरिया आप यूज, कौन सा एरिया है जिसको हम आप यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब एमएस वर्ड खोलते हैं तो आखिरकार वो हमें मिलता कहाँ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, यहाँ आपको एमएस वर्ड टाइप जैसे करेंगे तो एमएस वर्ड यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको ऐसी और दिक्कत आती है कि आपको यहाँ पे ऑफिस नहीं दिखता है, तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इन ऑप्शन में आप देखिए ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे ये जैसे एरो कीज बनी हुई है या आपके स्क्रॉल बार बनी हुई है, वहां पे आप उनको चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे है कि नहीं है, वो जो ऑप्शन आप देखना चाहते हैं या जो भी आप एप्लीकेशन से खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब हम किस पे काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमने क्लिक किया ये वर्ड 2010 खुल गया, ठीक। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये देखिए कौन सा एरिया है, तो ये देखिए ये एरिया है जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि आपका कर्सर यहाँ पे देखो ब्लिंक करता रहता है ना, एक बार आता है चला जाता है, ब्लिंक कर रहा है, इसको हम ब्लिंक करना बोलते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है, ये ब्लिंक करने का ये इशारा हमारे वो क्या कर रहा है, तो ये आप समझ लीजिए, ये कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बस दो, ठीक है। आप कितना भी तेजी यहाँ से टाइप करना शुरू कर दें, लेकिन ये कर्सर आगे ही बढ़ता चला जाएगा, ये पीछे नहीं है, ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कौन सा एरिया है जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये देखिए पूरा देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये देखिए जहाँ माउस पॉइंटर आप ले जाएंगे तो ये गैर नुमाइश बटन, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये नुमाइश हो गया, ठीक है। फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा मैक्सिमाइज हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इन बटन का आपको नाम मालूम होना चाहिए, अभी तक तो सब चल गया कि क्लिक कर दो क्लोज हो गया, लेकिन अब आपको नाम मालूम होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्रोल बार बोलते हैं, देखिए मैं स्क्रोल करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब ये आपके देखिए ऑप्शन हो गए हैं, यहाँ पे आप इन ऑप्शन देखिए, ये कस्टमाइज बटन, यानी ये माउस पॉइंटर जैसे ले जाएंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे लिखता है कस्टमाइज फिल एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसके बाद ये आपका मेनू बार कहलाता है, ये देखिए कितने मेनूज हैं, दो, चार, कुछ है, दो आठ मेनूज हैं, हर मेनूज का काम अलग अलग होता है, हर मेनूज काम अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। अब पहले देखिए होम मेनू बाय डिफॉल्ट खुला होता है, तो ये मेनू बार हो गया, ये होम मेनू के ऑप्शन सब ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो ये देखिए टैब है, ये लेफ्ट, ये टैब है, ठीक है, ये आपके स्केल बार है, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक, और ये टैब है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पेज नंबर, आप
यानी जितना पेज आप यहाँ खोलते जाएंगे उतने पेज आपके यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। ये आपका वर्ड्स है, यानी जो शब्द लिखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे सदगुरु, ठीक। ये देखिए एक वर्ड लिख गया, ठीक। आगे लिखू सेवा, ये देखिए दूसरा वर्ड लिख गया, ठीक है। यानी आपके पेज में जितने भी वर्ड होंगे वो काउंट करके यहाँ पे बताता जाएगा। तो ये एक्चुअल देखा जाए तो जहाँ पे हम टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जहाँ तक हमारा कर्सर जाता है वहाँ पे हम देखते तुरंत वो जो एरिया होता है वो हमारा होता है यूज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ यूज, ठीक है। इस एरिया को हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। आप देखिए एक शब्द आता है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, यानी कहा जाए कि जो टेक्स्ट है, जो शब्द हम लिखते हैं, जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसी की प्रोसेसिंग करना। और प्रोसेसिंग क्या है, एडिटिंग करना। एडिटिंग क्या है, किसी करेक्टर को हटाना, किसी करेक्टर को जोड़ना। मान लीजिए मैंने यहाँ से जी हटाया, ये हटा दिया, अब मुझे ऐड करना था यहाँ से या डी करना था, ये कर दिया मैंने, यानी प्रोसेस किया मैंने किस पे, उस सेंटेंस में, उस वर्ड पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी शब्दों की प्रोसेसिंग करना, हम सब लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान देना है। कभी कभी आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, कॉपी मैंने किया देखिए और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी मैंने दो तीन बार प्रेस किया, ये देखिए ये पेस्ट हो गया, ठीक। ये प्रैक्टिकल करके हम आपको देखना है, ये मैंने यहाँ से मान लीजिए इसको किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक। ये प्रैक्टिकल देखना है आपको। तो यहाँ मैंने मान लीजिए एक लाइन लिखने दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं कर्सर को और बड़ा किए दे रहा हूँ, देखा होगा जैसे मैंने मध्य लिखा और वाई मैंने लिखा, ये दूसरे लाइन पे आ गया, ऐसा क्यों, तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ पे इसकी सेटिंग है, ठीक है। अगर ये सेटिंग थोड़ा सा राइट मार्जिन में और दे दूं तो ये पूरा मध्य मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग हम कर सकते होती है, लेकिन हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ है और मुझसे कोई भी बंदा कहता है कि डायरेक्ट आप यहाँ पहुंचिए, तो आप जब तक क्यों, क्योंकि आप माउस से और कीबोर्ड दोनों से काम कर रहे हैं और आप स्पेशल तब बनेंगे जब आप कीबोर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैंने कहा कि आप सपना पे कर्सर ले जाइए तो आप माउस छुएंगे और सीधे यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, तो मुझे लगता है इतना तो काफी टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन अगर मुझसे कोई कहता है कि आप सपना पे जाइए तो ये देखिए मैंने कर दिया, यानी एक बटन मैंने दबाया सीधे मैं सपना पे पहुंच गया, ठीक। अब वो एक बटन मैंने कौन सा दबाया, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कीबोर्ड से, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए ये एंड बटन है, ठीक। कौन सी बटन है ये, एंड बटन, ये देखिए बीच वाली एंड बटन है ये, ठीक। अगर मुझसे कोई कहता है कि सदगुरु पे आइए तो मैं ये देखिए होम बटन का यूज कर दूंगा, ये होम कर्सर आपका सीधे ऐप पे आ गया, ठीक, क्लियर। तो मैं सिर्फ एरिया यूज ऑफ एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया यूज यानी जो एरिया हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। अब मैं आपके सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, अगर आप ये सोचते हैं कि सिलेबस टू सिलेबस, तो मैं यहाँ सिलेबस एक तरफ रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको मीनूज बाय चीजें बताऊंगा, एक एक मीनूज के एक एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको लिखना किस तरह से ये भी बता दे रहा हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेवन सेवन,
आपको बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेवेज। तो अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि सेव क्या करता है सेवेज क्या करता है, वही डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। या मैंने आपसे बोल दिया कि सेव करने के कितने तरीके होते हैं, तो आप तो बता सकते हैं कि सर कंट्रोल प्लस एस से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, हम सर फाइल मेनू में जाके सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहां से भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेनू से जाके हम सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज के माध्यम से सेव कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे सेव करने के तरीके अलग अलग हैं, दो हैं तीन हैं, कितने तरीके से हम सेव कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ बात आती है कि जो मेनूज है उन मेनूज के एक एक ऑप्शन में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, और वही चीज आपको लिखना है। यानी कहा जाए कि जो आपको प्रैक्टिकल करना है वही आपकी थ्योरी है। यानी ऑफिस ऑटोमेशन में आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है कि जो आप करेंगे यानी जो प्रैक्टिकल करेंगे वही आपकी थ्योरी, वही लिखते चले जाना है, बस आपको डायग्राम को ध्यान देना है, डायग्राम पर आने होंगे, ठीक। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको घर बैठे सब समझ में आ रहा होगा और आप प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि ठीक है आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, आपने अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल किया है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें मैंने देखा है कई बच्चे उस पर रिटर्न भी भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और हम लोग जितना अच्छा आप लोग करोगे उससे बेहतरीन हम लोग भी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट बनाती हैं किसी चीज़ को, मैं आपको बता दूँ इस पर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो आपको अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ पूछनी है तो उसको आप पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ गए तो ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल पे होंगी, ठीक है। नहीं तो कंप्यूटर पे देखिए मैं कैसे होगा, कंप्यूटर पे सभी लोग काम करते हैं, लेकिन आप पे स्पेशल क्या है, कंप्यूटर तो नॉर्मल है आपका सब कुछ चला रहा है, लेकिन आप स्पेशलाइजेशन करिए, आप स्पेशल बनिए उस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। तो मैं जैसे अभी बात किया कि ये एरिया हमारा जहाँ पे मैंने ये टाइप किया, ये एरिया है हमारा जहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखेंगे, इमेजेस को बनाएंगे, इंसर्ट कराएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि बाय डिफॉल्ट तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट आपका इसकी सेटिंग क्या होगी, यानी फंड की, ये देखिए फंड, तो आप ये बता सकते, देखिए फंड साइज सबसे छोटा साइज 8 होता है, सबसे बड़ा 72। ये देखिए मैंने कर्सर ले लिया, सीधे वो उसने बता दिया, ठीक। लेकिन 72 से बड़ा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब उससे बड़ा करना है तो क्या करें? तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ देख सकते हैं आपके की बोर्ड में दूसरी है जिसको आप मजला कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मजला कोष्ठक, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसका यूज करेंगे तो यूज करने पे आप उस टेस्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी फाइल मैंने ओपन किया, और देखिए अब मेनू में मैं आता हूँ फाइल मेनू पे, ये मैंने क्लिक किया फाइल मेनू। अब देखिए फाइल मेनू पे जैसे क्लिक किया तो आपके देखिए पूरी फाइल की प्रॉपर्टीज यहाँ बताई जा रही है, साइज मीन कितने, एक वर्ड्स कितने हैं, नाउ टोटल एडिटिंग टाइम 11 मिनट, यानी 11 मिनट में हम 11 मिनट में हम इस पर काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और टाइटल आइटम ये देखिए कब बनी, टुडे, आज, ये इतने बज के इतने मिनट में, ठीक। ये पूरी डिटेल आपको दे रहा है, लेकिन अभी हमें देखिए ये सेव करना है, फाइल को क्या करना है, सेव करना है। ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब फाइल देखिए ये ऑप्शन खुल गया बाय डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें फाइल सेव कहाँ करनी है आप जानिए, तो हमें अपने फोल्डर के अंदर सेव करनी है। हमने फोल्डर ओपन किया और ये ओपन करने के बाद हम फाइल का नाम देते हैं ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। ये एमएस वर्ड की फाइल है, मैंने इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, लेकिन ये एक्सटेंशन अपने आप ले लेगा, ये मैंने सेव कर दिया। आप देखिए ऑफिस ऑटोमेशन नाम की फाइल सेव हो गई और एक एक्सटेंशन हो गया .docx का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन फाइल, क्लियर, ठीक है। एक
एक्सटेंशन क्यों रखते हैं, फाइल का एक्सटेंशन क्यों होता है। अगर फाइल का एक्सटेंशन ना हो तो आपके ऑटोमेशन के किसी और एप्लीकेशन में फाइल बनी होगी तो आपका कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी फाइल क्षमता वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, एक ही नाम की फाइल नहीं सेव की जाती एक एप्लीकेशन में, एक ही नाम की फाइल अलग अलग एप्लीकेशन में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। और फाइल का नाम बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो 256 करेक्टर से बड़ा भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फाइल का नाम नहीं देना चाहिए। तो मैं सिर्फ आज आपका इंट्रोड्यूस करवाया हूँ, कल इसके आगे भी क्लास में लूंगा। अभी फाइल में मैंने जैसे सेव बताया है, कल मैं सेव एसबो पेन क्लोज ये पूरे के पूरे ऑप्शन तो मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको समझ आना चाहिए, एक मैंने नई फाइल बनाई है, अब इस फाइल पे अब आपको काम करना है। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि ये 10 दिनों में आपका करीब एक या डेढ़ यूनिट दो यूनिट हो जाएगा और दो यूनिट हो जाएगा एक यूनिट, मैं आपको असाइनमेंट इसका भी दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं और वो असाइनमेंट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।